परमात्मा महावीर का गुणगान करना है कि जिसका गुणगान करने के लिए ज्ञानी लिखते हैं कि एक मुख की जगह करोड़ मुख बन जाए, मुख में एक जीभ है और एक जीभ की जगह एक करोड़ जीभ हो जाए और करोड़ों वर्षों का आयुष्य हो जाए, तब भी परमात्मा का गुणगान करना चाहे तो वो गुणगान पूरा नहीं हो सकता। और मुझे मिली ही केवल 7 मिनट है, 7 मिनट में मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं वो भी असमंजस्य है। फिर भी मैं कोशिश करती हूं, तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मम, कुछ है नहीं, पर परमात्मा की जो भक्ति है वो भक्ति ही विवश कर देती है बोलने के लिए। परमात्मा महावीर को हम मानते हैं कि परमात्मा महावीर का हम मानते हैं। परमात्मा महावीर को मानना तो बहुत इजी है, लेकिन परमात्मा महावीर का मानना उतना ही कठिन है। परमात्मा की साधना हमें कैसे परमात्मा मिले हो, परमात्मा की साधना कैसी थी? सबसे पहले परमात्मा ने त्याग की साधना करी। 28 साल की उम्र थी, माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मंत्रिमंडल ने सोचा कि बड़े भाई तो नंदीवर्धन है, किंतु पुण्य और गुण में बड़े वर्धमान है, तो हम ये राज्य का जो सिंहासन वो वर्धमान को ही सौंप दे। और वर्धमान के पास जाके बोलते हैं कि आप ये राज्य सिंहासन का स्वीकार करो। क्या करा ना वर्धमान ने, स्वीकार कर लिया है। कितना औचित्य का गुण था। उन्हें कहा कि भैया मेरे बड़े भाई अभी विद्यमान है और बड़े भाई के होते हुए ये जो राज्य सिंहासन का अधिकारी है वो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा बड़ा भाई है। जरा टेली करते जाना अपने जीवन के साथ कि हमारा जीवन कैसा है और परमात्मा का साधना जीवन कैसा था। दूसरे नंबर में परमात्मा ने राज्य, पहले नंबर में राज्य सिंहासन का त्याग कर दिया। दूसरे नंबर में दीक्षा लेने से पहले 1 वर्ष तक दान देकर परमात्मा ने धन का भी त्याग कर दिया। एक राज्य सिंहासन का त्याग किया, दूसरा धन का त्याग किया, और दीक्षा लेने के बाद किसका त्याग किया? दीक्षा लेने के बाद जो देव दृश्य मिला था, वो देव दृश्य परमात्मा के कंधे पे था। भागा भागा कोई ब्राह्मण आया और कहा कि वर्धमान 1 मिनट रुकिए, और उसने अपनी दास्तान सुनाई। परमात्मा करुणा के सागर थे और जो
देव दुष्य था, जो वस्त्र था वो वस्त्र का भी दान कर दिया। कितनी महत्व के त्याग की साधना की, और दूसरे नंबर में परमात्मा की साधना थी तप की, दीक्षा से लेकर जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, 12.5 साल तक परमात्मा ने कैसी साधना की। 12.5 साल में परमात्मा ने 349 बार ही खाना खाया है, सिर्फ 349 बार। बाकी के दिनों में परमात्मा ने क्या करा, उपवास ही करा है, पालना में एकाशना से कम पालना नहीं करा है, और कम से कम 2 उपवास तो वो करते ही थे, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का उपवास किया, और वो भी निर्जल चौहार उपवास किया। कैसी कठोरतम साधना करी। और तीसरी साधना परमात्मा ने क्षमा की करी। क्षमा की साधना तो परमात्मा की अविरत चलती रही, 24x7 अविरत क्षमा की साधना करी, चाहे दिन चाहे रात हो, चाहे परमात्मा का एकाशना हो, चाहे उपवास हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो जंगल में हो, लेकिन परमात्मा ने क्षमा का ही साधना करी है। चंद कौशिक आया था परमात्मा को डंख लगाने के लिए, क्या परमात्मा में शक्ति नहीं थी? शक्ति तो ऐसी थी कि परमात्मा एक फूक लगाते वो चंद कौशिक योजना दूर उड़ जाता, लेकिन परमात्मा ने शक्ति होने के बावजूद भी क्या करा, सहन करा। वो गोवाला आया और वो गोवाला ने रस्सी लगाई परमात्मा को, अगर परमात्मा वो गोवाला की रस्सी को पकड़ लेते ना, तो रस्सी के साथ साथ गोवाला भी आ जाता, और वो परमात्मा ऐसे घुमाते तो वो गोवाला भी एक योजन दूर उड़ जाता, इतनी शक्ति परमात्मा में थी। वो संगम देव ने काल चक्र फेंका, वो परमात्मा में क्या शक्ति नहीं थी? शक्ति तो बहुत थी, लेकिन परमात्मा का भाई अभी 2 मिनट बाकी, मैं देखती हूं घड़ी, और वैसे भी मैं भी मानती हूं अनुशासन है वहां धर्म है, जहां अनुशासन नहीं है वहां धर्म है ही नहीं। तो चंद को आपने मेरी 2-4 सेकंड बिगाड़ी थी, 2-4 सेकंड शायद ज्यादा हो सकती है। तो चंद कौशिक को भी परमात्मा ने स्वीकार किया, वो संगम का भी स्वीकार किया, वो गौशाला का भी स्वीकार किया, परमात्मा ने कभी सामना किया ही नहीं है। परमात्मा का मोटो था सहन करना, सामना नहीं करना, और हमारा मोटो है सामना करना, सहन नहीं करना। और ये सहन करके परमात्मा ने प्राप्त क्या किया, परमात्मा ने 3 वैभव को प्राप्त किया, एक अहिंसा का वैभव, दूसरा अनेकांत का वैभव, और तीसरा अपरिग्रह का वैभव, और वो वैभव हमको दिया है अहिंसा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हम कौन है, हिंदू है, बेशक हमारा धर्म जैन है, लेकिन हमारा राष्ट्र और हमारी जो संस्कृति है वो हिंदू ही रहेगी। और हिंदू किसको कहते हैं, हिंदू की परिभाषा क्या है, हिंदू की परिभाषा हमारे शास्त्र में इतनी बढ़िया बना बताई है, शायद ऐसी परिभाषा किसी ने भी नहीं बनाई होगी। ज्ञानी भगवंत ने हिंसा की व्याख्या लिखते हुए कहा है, हिंसा या दूयते मन यस्य स हिंदू। हिंदू किसको कहते हैं, हिंसा या दूयते मन यस्य स हिंदू। हिंसा से जिसका मन खिन्न होता है, हिंसा से जिसका मन दुखी होता है, वो हिंदू होता है। और मुझे कहते हुए गर्व और गौरव रहता है कि ये हिंसा की जो संस्कृति है, वो हिंसा की संस्कृति हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा से शुरू हुई है, और वर्धमान ने हमको दी है। समय हो गया है, कहने का तो बहुत है, लेकिन
ये 2550वां निर्वाण कल्याणक और अभी अभी अयोध्या में बना हुआ राम जी राम भगवान का जो मंदिर की प्रतिष्ठा, वो तभी सफल होगी, तभी सार्थक होगी कि अयोध्या कि जहां कोई युद्ध ना होता है वो अयोध्या होती है। और दूसरा नाम है अवध, कि जहां किसी भी प्राणी का वध ना होता है वो होता है अवध। तो मोहन भाई को सिर्फ मेरी इतनी ही गुजारिश है कि ये परमात्मा मां भगवान राम की प्रतिष्ठा और 2550वां जन्म कल्याणक अगर हमको सफल करना है, सार्थक करना है, तो कहीं पर भी युद्ध न होना चाहिए और कहीं पर भी किसी भी प्राणी का वध न होना चाहिए, तो हमारा ये महोत्सव सफल होगा, महोत्सव सार्थक होगा। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं आपसे कृतज्ञ हूँ। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, निछामी दो।